वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से पढ़ना है क्लास 12th में, अगर आप नए नए स्टूडेंट आए हो, और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं कि आप भी टॉपर बन जाओ शुरू से। मतलब क्या वो बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है जो आपको टॉपर बनाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आप हमारे चैनल एकलव्या इन्फो को जरूर विजिट करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको जरूर देखिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट हो मुझसे आके पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सबसे पहली एक लाइन में आपको कहना चाहूंगा, आप सभी अभी नए नए आए हो क्लास 12th में, और ये शुरू से इस मतलब आप मान के चलो इस नियम को मान के चलना कि डोंट कॉपी एनीवनस नोट्स, किसी भी दूसरे स्टूडेंट के नोट्स को कॉपी मत करना। अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो टॉपर बनोगे। अगर मान लो कोई दूसरा बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसको मतलब वहाँ नोट्स दिए जा रहे हैं, आप उसकी कॉपी करते हो एज इट इज, अपने से कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने आज तक कोई भी कोचिंग कोई भी ट्यूशन नहीं लिया था, मेरे हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। वो क्या टिप्स थी, मैंने क्या चीज़ें करी थी, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ तो मान के चलो किसी के भी नोट्स को कॉपी नहीं करना। ठीक है, ऐसा बनाओ खुद को कि लोग तुमसे आगे नोट्स मांगे कि भाई अपने नोट्स दिखा दे। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है वो आपके लिए यही है कि स्टार्ट स्टडिंग एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। अगर आप 12th में आ चुके हो, आप अभी तक सीरियस नहीं हो, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली स्टार्ट करो। टाइम टेबल अपना खुद बनाओगे आप, कोई भी इस दुनिया में आपको आपका टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता आपके सिवा, क्योंकि आप जानते हो आप कब फ्री होगे। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप 3 बजे पढ़ना, जबकि 3 बजे हो सकता है आपको कहीं जाना हो। ठीक है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होते हैं कभी भी, आप अपने से बनाओगे तो ही वो फॉलो हो सकते हैं। एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलो तो ही आप सीरियस रह पाओगे। अगर शुरू से कुछ करना चाहते हो, जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ, जबकि मैंने 2019 में जो है अपनी 12th मतलब क्लियर की थी, और पॉलिटिकल साइंस में मेरे 100 आउट ऑफ मतलब 100 में से 94 थे, 94 आउट ऑफ 100 यानी कि, और 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं किस तरीके से पढ़ा करता था मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे है कि एक रजिस्टर खरीदना है आपको नोट्स मेकिंग के लिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कूल की कॉपी में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके रजिस्टर्स जो हैं नोट्स के वो अलग होने चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है जितने का आप अफोर्ड कर पाओ, जो ज्यादा जल्दी ना भरे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको महंगा वाला ही लेना है, जो आपको मिल जाए वो रजिस्टर लो, पर मेक श्योर आप एक अलग रजिस्टर बनाओ, क्योंकि जब लास्ट में नोट्स ही आपको काम आते हैं, क्योंकि जब एग्जाम पास में होंगे, जब आप रिविजन कर रहे होंगे, तो आप पूरी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे बैठ के। ठीक है, और ना ही आप मतलब एक तरीके से पूरा चैप्टर उसको देख पाओगे एनसीईआरटी के अंदर से, लेकिन नोट्स जो आपने बनाए होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने लिखी होंगी, वही आपको काम आने वाली है। तो रजिस्टर आप अलग बनाओ, हर सब्जेक्ट का अलग बनाओ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री में ही पॉलिटिकल घुसेड़ देते हैं, उसी में इंग्लिश घुसेड़ देते हैं। भाई चाहे आप सस्ता रजिस्टर लो, लेकिन अलग रजिस्टर बनाओ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी तरीके की। और एक हाईलाइटर जरूर लीजिए। ठीक है, हाईलाइटर कितने का आता होगा, 10-20 रुपए का आता है, इससे भी मतलब सस्ता ही होगा। अगर आपके आसपास स्टेशनरी की शॉप है तो एक हाईलाइटर मिलता है इस तरीके से, आप देख भी सकते हो पीछे पेजेस में हाईलाइट किया हुआ है वर्ड्स को। तो आपको एक हाईलाइटर खरीदना है। ये हाईलाइटर का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप इसको लिखते चलो अपनी कॉपी में कि नोट्स आज से हमें कैसे बनाने हैं। हाईलाइटर खरीद लिया, अब आगे क्या है, पेस्ट योर सिलेबस ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्टर। आपने जो रजिस्टर खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए आपने ये रजिस्टर खरीदा, इसका जो पहला और जो दूसरा पेज है उसमें आप अपना सिलेबस लिखो अपने हाथों से। जो भी आपका सिलेबस है, जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उस सिलेबस को लिखो। आपका स्कूल से मिला होगा सिलेबस, नहीं मिला तो आप अपने टीचर्स को पूछ सकते हो। ठीक है, सिलेबस को लिखो अपनी कॉपी में, क्योंकि सिलेबस आपके दिमाग पे रहना चाहिए और आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्या क्या चीजें हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, ताकि आप पूरे प्लान्ड तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर पाओ। अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है कि बिफोर मेकिंग नोट्स ऑफ एनी चैप्टर राइट डाउन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल आप जो पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है, जो मतलब ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स हड़प्पा सभ्यता वाला, उसमें आप जब अपना चैप्टर को स्टार्ट करोगे,
तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक ये मेरी जनरल सी टिप है कि जो आपका पहला पेज होगा उस पे आप टॉपिक लिख लो सारे, ठीक है। टॉपिक लिख लो क्या क्या आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, जिससे आपको एक ओवरव्यू रहेगा भाई दिमाग में, मतलब कि क्या क्या इस चैप्टर में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब एकदम से अपने आप पे बर्डन मत लो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप चैप्टर्स को पार्ट्स में पढ़ो। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वीडियो भी अगर हम बनाते हैं तो हम पार्ट्स में बनाते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए। हम चाहते हैं तो हम भी आपको 1-2 घंटे की वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं, लेकिन ना तो उतनी आपके पास MB होगी ना आपको उतना समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पार्ट्स में आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन कम आए। और ये तरीका आपको पढ़ने में भी लगाना है, ठीक है, कि आप जब कोई चैप्टर को पढ़ने बैठते हो तो उसको पार्ट्स में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आप एक टारगेट रखो कि आज की डेट में मुझे लगभग 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। जब आप वो 4 टॉपिक पढ़ लेते हो तो अपने उस फर्स्ट पेज पे टिक कर देना कि हाँ भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक मैंने आज इस चैप्टर से पढ़ लिया है। उसको फिर वहीं पे अपनी बुक को बंद कर दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। ये नहीं करना आपको कि पूरा चैप्टर, मतलब ये नए नए बच्चों में जोश होता है कि एक दिन में पूरा ही वो एक चैप्टर उतार देते हैं कॉपी में। मतलब ये मेरे साथ गलती हुई थी, मैं वही बता रहा हूँ। मैं जब नया नया 12th में आया था मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मेरे को, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको पता हो या ना हो, मैं खुद एकलव्य स्टडी पॉइंट का ही एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं भी सत्येंद्र सर से ही पढ़ता था हिस्ट्री पॉल साइंस। तो जब मैं ऑनलाइन वीडियोज वगैरह देखने मैंने स्टार्ट करी थी तो मेरे में क्या जोश आया था कि भाई नोट्स बनाने का, जो जितना सर ने पढ़ाया था मैंने एक दिन में ही, मैं मतलब पूरे चैप्टर को उतारने बैठ जाता था। जिससे क्या होता था, मुझे समझ कुछ नहीं आता था पर मैं ये खुश रहता था कि मैंने नोट्स बनाए हैं। ये गलती मत करना। ये गलती मेरी सुधर गई थी 1 महीने के अंदर ही। मेरे को समझ आ गया था कि यार मैं तो सिर्फ लिखता जा रहा हूँ, ऐसे तो मेरा सिलेबस मैं 1-1.5 महीने में खत्म कर दूंगा लिख के, पूरा समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे को क्या करना है, पार्ट्स में पढ़ना है और उन चीजों को समझना है, ठीक है। ये शुरू शुरू में हर किसी से गलतियां होती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी गलतियां होती हों सारी चीजें लिखने की, पर आप आज के बाद ये गलतियां मत करना। जो भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आप उसकी जो हेडिंग्स वगैरह है वो सारी लिख लेना चैप्टर को शुरू करने से पहले, और जो आज की डेट में आपने जो हेडिंग्स पढ़ी उन पे टिक कर देना, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करना है, एक आदत बनाओ ब्लू एंड ब्लैक पेन दोनों यूज करने की, ठीक है। बहुत बच्चों को आदत नहीं होती है, ब्लू पेन से ही हम लिखते हैं, लेकिन आप एक ब्लैक पेन जरूर रखो अपने साथ में। जब आप हेडिंग लिखते हो कोई भी, ठीक है, चैप्टर की या मतलब सब हेडिंग लिखते हो तो कोशिश करो उसको ब्लैक पेन से लिखो, क्योंकि यहीं से आपकी अगर स्किल्स अच्छी हो जाती है प्रेजेंटेशन की तो वो फायदा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत असर डालती है। आप ये मान के चलो आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन आपने जो पेश किया है वो एकदम कचरे के जैसी उसमें स्पेलिंग है जो बिल्कुल समझ ही ना आए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, तो सामने वाला एग्जामिनर नहीं कुछ देगा आपको, ठीक है। अगर उसको ढंग से समझ ही नहीं आएगा लिखा क्या हुआ है, तो आज से मेहनत करना शुरू करो। मेरी भी राइटिंग खराब हुआ करती थी लेकिन मैंने मेहनत करी तो मेरी भी राइटिंग अच्छी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्लू एंड ब्लैक दोनों पेनों का यूज करना शुरू से स्टार्ट कर दो। हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना और जो आपका कंटेंट है वो ब्लू पेन से लिखना। अंडरलाइन के लिए भी आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे मैं बताऊं तो पहली टिप, अब जो मतलब अब मेन बात पे आते हैं कि मतलब चैप्टर को जब आप, अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ये तो वो जनरल टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। अब हिस्ट्री और पॉल साइंस के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर की वीडियो देखनी है। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो अगर आज आप, तो पहले चैप्टर की वीडियो देखो। लिंक्स आपको जो भी प्लेलिस्ट वगैरह है आपको नहीं पता, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चैप्टर की वीडियो को देखो क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो पहली बारी में समझना मुश्किल होती है, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते। लेकिन हमने जो आपको वीडियो के द्वारा जो आपको दिखाना चाहा है उसमें कुछ नोट्स बना के, कुछ शॉर्ट करके उसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से आसान भाषा बना के जो आपको समझ में आए, ठीक है। तो चैप्टर की वीडियो को देखो कम से कम एक बारी तो जरूर देखनी है आपको, 1 से 2 बार देख सकते हो, तो पहले वीडियो को देखो। और वीडियो को देखने के बाद आप ही मतलब ये मत करना कि वीडियो को देखते देखते आप नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो, पहले वीडियो को देखो पूरी तरीके से, ठीक है। देख लेते हो तो आपको कुछ चीजें समझ आएगी। टाइम निकाल के दोबारा देखो उस वीडियो को, ठीक है। जब आप 2 बार देख चुके होगे आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे कि हाँ मैंने चैप्टर की वीडियो देख ली है, अब मेरे को ये चैप्टर समझ आ गया कि हाँ इस चैप्टर में आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आपको पूरा एक मिल जाएगा चैप्टर की नॉलेज उस वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, अब आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग में आपको अपनी बुक उठानी है, बुक लो तो एनसीईआरटी की ही लेना, और भी बहुत सारे पब्लिशर्स की आती है, उसमें मैं विश्वास नहीं रखता कि हो सकता है कोई डेट वगैरह की प्रॉब्लम हो, आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर करो। और आप जब वीडियो को देख लोगे तो आप एनसीईआरटी को उठाओ।
और एनसीईआरटी को उठाने के बाद अब काम आता है आपका ये हाइलाइटर का, ठीक है? मैंने आपको कहा था ना, आगे बताऊंगा। तो हाइलाइटर से क्या करना है आपको, जो चीजें आपने वीडियो में देखी तो आपको समझ तो आ गई होंगी कि क्या क्या चीजें हैं वो जो मुझे हाईलाइट करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें जो जो सर ने पढ़ाई हैं। तो आप जब रीडिंग करोगे अपनी फर्स्ट टाइम, तो नोट्स बनाने से पहले कोशिश करना रीडिंग के साथ साथ आप हाईलाइट करते चलो जो चीजें आपने वीडियो में समझी थी, ठीक है? अब जब आप हाईलाइटिंग का काम कर चुके होगे, और इतना काम अगर आपने कर लिया है, अब काम आता है आपका लिखने का। और लिखना क्या है, देखो जब चैप्टर वगैरह आपका खत्म हो जाएगा तो आप एक कॉपी ले लेना 10 वाली, ठीक है? 10 वाली भी चलेगी, पतली सी छोटी सी आती है ना जो, उसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत बच्चों को पेपर जब नजदीक होते हैं ना जब, तो वो कहते हैं कि सर डेट्स नहीं याद हो रही, सर क्या करें डेट तो समझ ही नहीं आ रही, कैसे याद करें। तो वो उनके साथ होता है जो शुरू से तैयारी नहीं करके चलते। आपको मैं चाहता हूँ कि शुरू से ही आप तैयारी करके चलोगी, डेट्स वाली दिक्कत बाद में ना आए आपको डेट याद करने की, ठीक है? तो आप एक 10 वाली पतली सी छोटी कॉपी ले लो, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ डेट्स लिखो। आज आपने पहला चैप्टर खत्म किया तो आप उसमें लिखो कि आपने पहले चैप्टर में कितनी डेट्स देखी, ठीक है? जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और ये सब जो डेट्स वगैरह जो आपने देखी, जैसे कि शीत युद्ध वाला चैप्टर है कोल्ड वॉर, उसमें आप पूरा देखो क्यूबन मिसाइल संकट कब हुआ था, ठीक है? सारी चीजें आप एक डेट्स की कॉपी में लिखना शुरू करो, और इससे क्या होगा, डेट्स आपको याद रहने लगेंगी। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ अब नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये हिस्ट्री का है, ठीक है? इंट्रोडक्शन से मैंने लिया है, तो मैंने यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिखी, मतलब पूरे पैराग्राफ नहीं लिखे लंबे लंबे। ये यहाँ पे हड़प्पन सील के बारे में मुझे बताना था, ठीक है? अपने नोट्स बनाने थे, तो मैंने क्या लिखा कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, यानी कि सबसे एक विशिष्ट तरीके का ये मतलब हमें आर्टिफैक्ट मिलता है वहां से। उसके बाद मैंने लिखा मेड ऑफ स्टोन स्टियाटाइट, ठीक है? ये स्टियाटाइट नाम के पत्थर से बना हुआ था, सेल खड़ी से। तो मैंने हाईलाइट किसे किया, स्टियाटाइट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? यहाँ पे इस लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लगा मुझे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसको मैंने हाईलाइट किया। यही हाईलाइटिंग का काम आपको अपनी कॉपी में करना है या रजिस्टर जो आपने लिया है नोट्स बनाने का, ठीक है? उसके बाद क्या है, मैंने लाइन में लिखा कि इमेजेस एंड साइंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है? इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से मुझे याद आ जाएगा कि जब मैं पेपर के टाइम पे उठाऊंगा कि मुझे हड़प्पन सील का टॉपिक समझना है, तो मैं सीधे अपने नोट्स को उठाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि इस पे इमेजेस एंड मतलब साइंस होते थे एनिमल्स के, मेड ऑफ स्टोन, ठीक है? और स्क्रिप्ट के बारे में मैंने सीधा लिख दिया अनडेसिफर्ड, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये डेमो था, ठीक है? ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर अपना जो आप लिखोगे जब नोट्स बनाओगे, तो मेक श्योर आपको लंबे लंबे लेंथी नोट्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ सिंगल लाइन में ही अपनी बात को बता देना है। ज्यादातर चीजें आपको याद हो चुकी होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसी को आपको नोट डाउन करना होता है। बाकी हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, ये मैंने आपको अपना तरीका बताया है। अगर आप कर सकते हो, अच्छा लगता है तो जरूर करना, इस तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। सेम तरीका आप पॉलिटिकल साइंस में भी अपना सकते हो, ठीक है? तो वहां पे भी आप यही कर सकते हो कि जो मेन मेन पॉइंट है आपने हाईलाइट करे थे, उनको ही अपने नोटबुक में लिखो, और फिर उनको हाईलाइट करके आप उसको मतलब कोशिश करो शुरू से ही अपना जो एक मतलब कहते हैं ना कि जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा रहे, ठीक है? अच्छा रहेगा तो एग्जाम तक आते आते आपके पास अभी टाइम है। जब तक आप इतने ज्यादा माहिर हो जाओगे ना इन सब कामों में कि बोर्ड एग्जाम को आप किस तरीके से मस्त करके लिख के आओगे, तो आपके नंबर आने ही आने हैं। और यही एक कारण था कि मेरे हिस्ट्री में 100 में से 100 आए, क्योंकि मैंने पहले दिन से मेहनत करी थी, ठीक है? मैंने 12th में आते ही दृढ़ निश्चय ले लिया था कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। काफी ज्यादा मैं इंस्पायर था, मतलब कई लोगों से जो टॉपर्स होते थे, ठीक है, उनके इंटरव्यू वगैरह देखा करता था मैं। तो आप भी कोशिश करो कि अपने आप को एक तरीके से मोटिवेट रखिए और नोट्स वगैरह बनाते रहिए इस तरीके से शुरू से ही, ठीक है? तो मैंने आपको ज्यादातर चीजें बता दी हैं, अब भी अगर कोई चीज रह गई हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।